सिंगरौली जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में लगातार 3 मौतों से जिला अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगे हैं। परिजनों ने भी अस्पताल व जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सही तरीके से इलाज नहीं किया गया। इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों ने अस्पताल व जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सही तरीके से इलाज नहीं किया गया, लापरवाही की गई है। सभी मृतक हुए व्यक्तियों के परिजनों का हाल रो रो कर बहुत बुरा है। आपको बता दें कि जिले के भुरकुड़ निवासी संजय उपाध्याय की अभी हाल ही में शादी हुई थी। शादी के बाद संजय की अचानक तबीयत खराब हुई। संजय को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर ICU वार्ड में भर्ती कराया गया। वहां कोरोना का इलाज शुरू हुआ। 30 दिनों तक चले इलाज के बाद संजय की तबीयत में काफी सुधार हुआ था, लेकिन फिर से अचानक तबीयत खराब हुई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। बता दें कि ऐसे ही जिले के चितरवई निवासी मरीज दल बहादुर पांडे के साथ भी हुआ। वे स्वस्थ थे, लेकिन उनकी भी ऐसे ही मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय बैढ़न पुराना गल्ला मंडी में स्थित मंदिर के पुजारी भी असमय काल के गाल में समा गए। सूत्रों का कहना है कि आखिर रात में ही क्यों सबकी तबीयत खराब होती है, ये जांच का विषय है। तीनों मरीज की रात में ही तबीयत बिगड़ी और सुबह होते होते दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में कांग्रेस के युवा नेता ने जिला चिकित्सालय व डॉक्टरों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिला प्रशासन को तत्काल ही इस अव्यवस्था को सुधारना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। सिंगरौली जिले के नौजवानों की मृत्यु, पहले दुर्गा मंदिर के पुजारी, फिर इसके बाद उपाध्याय जी, तमाम ऐसे नौजवान जो स्वस्थ हैं और कहीं ना कहीं चिकित्सक व्यवस्था चिकित्सीय व्यवस्था की लापरवाही के कारण जो मृत्यु बढ़ रही है, यह निश्चित तौर पर ज़िले में एक विचारणीय पहलू है। और बार बार जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है, ऐसे में शासन प्रशासन को अस्पताल प्रबंधन के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है और जांच का विषय है, अतः इसे जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हिंडाल्को महान पावर एल्युमिनियम की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।